हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिंकास। सो आज हम बनाने वाले हैं रस मलाई। जी नहीं, उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आसानी में घर पे झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या करना है। आप घर पे रखे हुए कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, बट सफ़ेद ब्रेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके चारों किनारे आप काट लीजिए और इस तरह से इसको बीच में आप काट के दो आकार भी दे सकते हैं, या तो फिर आप एक ब्रेड के चार पीस भी कर सकते हैं। तो इसको आप फिर घी में तलिए। तो इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ ब्रेड, घी, दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है और हल्का सा चीनी, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इसको हम ज़्यादा चीनी से पकाएं, बिकॉज शुगर इज़ नॉट दैट हेल्दी। तो इसको जैसे आप फ्राई कर लीजिए हल्के गोल्डन ब्राउन कलर में, और फिर उसी कढ़ाई पे थोड़ा पानी छिड़क के दूध ऐड कीजिएगा, वरना वो दूध नीचे से जल जाता है। मैं यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, आप अगर नॉर्मल कढ़ाई भी यूज़ करें तो भी पानी छिड़किएगा। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, उसको आप धीरे धीरे उसके जो मलाई है उसको आप किनारों पर साइड करते रहें। इस तरह से इसको आप धीमी आँच में पकाते रहिएगा, और इस दौरान आप अपने ड्राई फ्रूट्स काट लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ आलमंड्स, जो कि आधे मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, आधे बाद में गार्निशिंग के वक्त करूँगी, और कुछ पिस्ताशियोस, पिस्ता, वो मैं भी ऐड कर रही हूँ आधे। और अभी थोड़े चीनी ऐड कर लीजिए आप, ज़्यादा और कम आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। जैसे ही ये ऐड हो जाए, फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए, ये ऑप्शनल है, बट दिस गिव्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही इलायची पाउडर और केसर, सैफ्रन, इसको, ताकि ये अच्छा रंग, सुनहरा रंग आता है हल्का हल्का। तो जैसे ये पकने वाला है, हम इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें अब ब्रेड ऐड करने वाले हैं, जिससे वो अपने आप ही गाढ़ापन ले आएगा। तो रस मलाई में थोड़ा जो उसका दूध होता है, उसका जो रस होता है, थोड़ा लिक्विडी रहे तो अच्छा रहता है, बट आप अपने हिसाब से इसको आप गाढ़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे दूध में हल्के हाथों से डुबोइए, ये नहीं टूटेंगे क्योंकि इनको हमने घी में तला है। आप प्लीज़ घी का इस्तेमाल करिएगा और तेल का नहीं। तो ये हमने बिना खोआ, बिना किसी आगे की तैयारी किए हुए इस चीज़ को ज़बरदस्त जल्दी ही बना लिया है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आई नो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ मेकिंग इट, बट टुडे आई एम गोना शेयर द ईजी वे। No need of any sugar syrup, no khoa, no pre-preps. Can be cooked in minutes and tastes delicious. Ready to suffice for any last minute sweet desire. तो इसे आप ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसा बना था। Thank you so much. और इस तरह के लाजवाब डिशेस के लिए जुड़े रहे टिंकास के साथ। Please subscribe to my channel and hit on the bell icon.